हम लोग गांधी जी को बचपन में बनाने की कोशिश करते थे, कुछ ही लकीरों में गांधी जी बन जाते थे, थोड़ी सी पहचान, सिर पर बाल नहीं, कंधे पर धोती की एक डली हुई झलक, बाकी बदन नंगा, धोती पहने हुए, घुटने से करीब करीब घुटने तक की पहनी हुई धोती और एक लंबी लाठी, उनकी पहचान गांधी जी की। जो लाठी थी उस लाठी का काम वो किसी पर मारने के लिए नहीं करते थे। गांधी के साथ जिस जानवर का चित्र हमारे सामने आता है वो दुनिया का सबसे निरीह जानवर माना जाता है, बकरी, शेर नहीं। एक ऐसा आदमी जिसके साथ एक और चित्र आपके सामने आता है, जो सामने रखा गया है, चरखा, ये दुनिया के सबसे कमजोर, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं, जो ताकतवर नहीं, वैसे लोगों के प्रति बकरी, चरखा, तकली। आखिर बकरी, चरखा, तकली लेकर इस इंसान ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को कैसे हिला दिया? बदला लेना वो इंसान का, मनुष्य का, आदमी का काम नहीं है। संहार करना है, हिंसा करना है तो ईश्वर ही कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। तो ईश्वर के दरबार में ईश्वर तो हिंसा भी नहीं करता है, अहिंसा भी नहीं मानता है। The attack by a group of men accusing him of killing a cow. पीट पीट कर हत्या हो जाती है, लोगों से लाश को सटवाया जाता है। एक महक गांधी की पूरे देश में धीमी धीमी बह रही है, बयार जैसे लगता, वो आना चाहते हैं। लेकिन आज का समय जैसा भी है उसमें गांधी कहाँ हैं? दिस रियली इज अ स्टोरी विच शुड हर्ट एवरी इंडियंस कॉन्शियंस। टू शेड्यूल्ड कास्ट चिल्ड्रन बीटन टू डेथ फॉर ओपन डेफिकेशन। सच्चा हिंदू धर्म ने ऐसी कास्ट को, छुआछूत को एक जंगली और एक बड़ा है, उन सब चीज़ों को स्थान नहीं दे सकता है। उसमें सर्व धर्मों का समुच्चय समाविष्ट होना ही चाहिए, अगर नहीं होता है तो मेरी निगाह में वो हिंदू धर्म नहीं है। एक स्थिति में आकर कट्टरता है हिंसा में बदल जाती है। इतनी बड़ी लड़ाई गांधी जी ने लड़ी, सत्याग्रह, असहयोग और अहिंसा के सहारे गांधी जी ने ये लड़ाई लड़ी, सोचकर बहुत आश्चर्य होता है। धीरे धीरे तो ये स्थिति होगी कि लोग बाद में भरोसा करना भूल जाएंगे कि गांधी जी जैसा व्यक्ति हमारे देश में हुआ। हम स्वार्थवश आपस में न लड़ते भिड़ते तो अंग्रेजी ताकत कितनी भी बड़ी थी, वो अंग्रेजी ताकत इतने वर्षों तक हमको सताती रही। जब हम में जागृति हो गई, हम समझ गए कि हम हैं तो वो है, हम नहीं है तो वो हो नहीं सकते, तब तो अगर ये अंग्रेजों के लिए सच्चा था तो आज तो वो भी सच्चा ही है। मेरे लिए गांधी का सबसे अच्छा प्रतीक है ध्रुव तारा। ध्रुव तारा एक खास जगह होता है जिसको उत्तर कहते हैं। उत्तर के दो मायने हैं, दिशा का उत्तर और जवाब का उत्तर, सवाल का उत्तर। वहाँ पर वो स्थित है, ध्रुव तारा स्थित है, वो हिलता नहीं है, देखना चाहे तो जल्दी दिखता नहीं है, बहुत झिलमिलाता है, बहुत देर से निकलता है। तो गांधी को समझने में बहुत समय लगता है, बहुत तकलीफ होती है, वो दिखता है झिलमिलाता हुआ सा। और एक कहावत है कि जब आपको ध्रुव तारा दिखाई देना बंद हो जाता है तो समझ लो आपकी मौत आ गई है। हिंदुस्तान में ऐसा लगता है कि बहुतों को ध्रुव तारा गांधी का दिखाई नहीं दे रहा है।